सबसे पहले तो राम राम सभी को। आपको मुझे ये बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं आपसे के सामने आज इंटरव्यू कर रहा हूँ और फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आपका पहला सवाल क्या है? मेरा नाम अभिषेक सावलिया है। आज हमारे गेस्ट मितुल मांगुकिया है जो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की शासित कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आज उसको क्वेश्चन पूछेंगे कि जॉब का कैसा है, कंपनी विविध कंपनियों में जो अभी हायरिंग हो रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो हम मितुल मांगुकिया से इस बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मितुल मांगुकिया, सबसे पहले तो राम राम सभी को। आपको मुझे ये बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं आपसे के सामने आज इंटरव्यू कर रहा हूँ और फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आपका पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल ये है कि जो शिक्षण व्यवस्था है पूरे इंडिया में, तो उसके बेसिस पे जो युवाओं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के बाद जो उभर के आ रहे हैं युवा, तो उसको जो जॉब मिलने की स्थिति है वो क्या है? देखिए, हमारे देश में पहले तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसके कंपेयर में जॉब वैकेंसी बहुत कम है। और वैसे भी इस साल जो TCS है, जो VP है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हर साल हज़ारों लोगों को हायर करती है, 56,000 मिनिमम हायर करती है, वो इस साल TCS ने तो इस साल ये कहा है कि हम एक भी फ्रेशर हायर नहीं करेंगे। और दूसरी जो कंपनियाँ हैं वो भी अपने फ्रेशर हायरिंग में 50% की कटौती कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि AI ML जो कंपनियों में लागू हो रहा है, तो उसकी स्थिति जो युवाओं के जॉब पर क्या पड़ेगी? देखिए, AI ML में इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा जॉब वैकेंसी में, क्योंकि जो ह्यूमन कर सकते हैं वो AI ML भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगा और जो एम्प्लॉय हैं उनको मोर प्रोडक्टिव और मोर क्रिएटिंग बनना पड़ेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लेने के लिए। अभी जो AI ML आ रहा है विविध इंडस्ट्री में, तो उसकी असर जो एम्प्लॉय है उसके पास शिक्षण नहीं है, तो उसके लिए AI ML है वो बेनिफिशियल है या नहीं? देखिए, आजकल कंपनियां ये ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढ रही है जो AI ML भले क्रिएट ना कर सके, वो मॉडल भले क्रिएट ना कर सके, बस पर वो जो पहले से एग्जिस्टिंग मॉडल है उनके पास से कितना मीनिंगफुल और कितना क्रिएटिवफुल काम करवा सकते हैं एम्प्लॉय, वो देख रही है ज़्यादा। अभी शिक्षण की जो स्थिति है उसमें कॉलेज का रोल क्या है कि विविध कॉलेज जो कोर्स चलाती है, कई कॉलेज है ओल्ड कोर्स चलाती है, कई कॉलेज है वो लेटेस्ट सिलेबस पे काम कर रही है, तो उसमें जो युवाओं को प्रिपेरेशन करना है तो उसमें कॉलेज का क्या रोल रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि परिवर्तन के साथ ये सिलेबस में भी जाना चाहिए। नए नए परिवर्तन के साथ नए नए टेक्नोलॉजी आ रही, इसी हिसाब से जूने जो सब्जेक्ट हैं उनको रिमूव करना चाहिए और नए सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या है, स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर हो सके और उनको जॉब ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। अभी जो IT इंडस्ट्री में रस चल रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो अभी जो मतलब युवा लोग हैं 10 से 12 साल का जो लोग युवा है उस पे कुछ असर पड़ेगा? जो मुझे लगता है कि जो 10-12 साल के अभी है वो अगर 8-9 साल के बाद जो IT में जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अभी IT की पीक चल रही है और ऐसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो डाउनफॉल शुरू होगा। और 10 साल के बाद तो मुझे बहुत ऐसा लगता नहीं है कि इस फील्ड में ज़्यादा वैकेंसी रहेगी, क्योंकि 10 साल के बाद AI भी इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो ह्यूमन के जैसा ही प्रोड्यूस कर सकता है आइडिया। अभी जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को कंपनी से मतलब ले ऑफ कर रही है, तो वो उसका मेन रीजन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी की प्रॉफिट कम हो रहा हो या फिर कंपनी अपने आपको स्मॉल कैप में लाना चाहती हो, स्मॉल करना चाहती हो, और अपने एम्प्लॉयज को कम करना चाहती हो या कि, और मुझे लगता है कि इसलिए लेस ऑफ हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जिस प्रकार से IT इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो दूसरी इंडस्ट्री पे उसका क्या इफेक्ट? देखिए, सभी इंडस्ट्री का टर्न बाय टर्न
आता है, इस समय आईटी का बहुत ज़्यादा टर्न है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटी में जा रहे हैं। लेकिन पहले मैकेनिकल सिविल उसका टर्न था, वहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे थे, और भविष्य में हो सकता है किसी और फील्ड का आ गया जो टर्न आए, तो ये फील्ड भी बाकी फील्ड की तरह ऐसी हो जाएगी। तो अभी आईटी इंडस्ट्री में कई लोग, मतलब पूरे जो युवाओं का जोश है वो आईटी इंडस्ट्री में जा रहा है, तो उसका इफेक्ट है वो अदर इंडस्ट्री में पड़ेगा? अरे इससे अदर इंडस्ट्री में प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटी में जा रहे हैं तो अदर इंडस्ट्री में तो सीट खाली रह जाएगी, तो वहाँ पे को लगता है कि अब हम रिमोट जॉब करने के लिए तैयार है, घर बैठे बैठे हम अपना काम कर सकते हैं, तो हम कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें रिमोट जॉब दे दें। आपको क्या लगता है कि इंडिया में आईटी का रस ज़्यादा है कि आउटसाइड कंट्री में रस ज़्यादा है? रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। आपको क्या लगता है कि इंडिया में आईटी का रस ज़्यादा है इसलिए कई बच्चे आउटसाइड द कंट्री जाते हैं, तो बेस्ट क्या रहता है, इंडिया में आईटी करना या बाहर जाने के साथ आईटी करना? क्योंकि बाहर लोग जाते हैं तो अदर सिचुएशन का भी सामना उसको करना पड़ता है, इसलिए। देखिए ये तो अब सभी के ऊपर है, क्या कि उनको यहाँ रह के यहाँ पे रह के काम करना है और विदेश में जाके काम करना है, तो मुझे तो इसमें कोई ज़्यादा लगता नहीं है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर बेस है उनको कहाँ बचाना है। आपका खूब खूब धन्यवाद, हमारे साथ कैमरामैन मीत ढोलकिया, मितुल मांगुकिया और ये राहुल मांगुकिया, थैंक यू।